गाड़ी के अंदर एक चूहा घुस के। वेलकम टू सिलचर। तो भैया आ गए हैं यहाँ पे। सो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आपका टोटल जो ट्रिप था वो कितना दिनों का था? कल से सब लोग आने वाला है। सर जीवन खूब भालो हो ये बोले हमरा ताके सम्मान जानाच्छी आज के। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज केतन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज सुबह सुबह हमारे घर एक मेहमान चोरी करते हुए पकड़ा गया था। कौन है मैं दिखाता हूँ एक बारी, उस मेहमान के साथ आपको मिलवाता हूँ एक बारी। सो गाइज इंट्रोड्यूसिंग चूहा। तो यही मेहमान हमारे घर पे बहुत कुछ तबाहिया चीज किया है। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना डिश वॉशर से। इसके साथ बहुत कुछ किया है चूहा ने, मैं दिखा दो एक बारी आपको। ये जो डिशवॉशर है ये पहले हम लोगों का किचन पे था, पर अभी हम लोगों ने इसे बाहर ला लिया है क्योंकि एक बार क्या हुआ था, किसी कारण ये डिशवॉशर ऐसा खुला रह गया था और चूहा गया था इसके अंदर। अभी तो इसके अंदर कॉकरोच भी आ गया है, इसके अंदर चूहा आ गया था एंड चूहा इसके अंदर जाकर पोटी वगैरह कर गया था एक दिन। उसके बाद से हम लोग इसे और यूज नहीं कर रहे, इतना अनहाइजीनिक चीज हो गया था ना इसके साथ। उसके बाद से ये और यूज ही नहीं किया हम लोगों ने, एक साल ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बाहर ला के रख दिया है। ये तो क्या हम लोग फर्स्ट लॉस। सेकेंड लॉस मैं आपको दिखाता हूँ। लॉस जो है वो हम लोगों का वॉशिंग मशीन पे हुआ है। चूहा लाइक उसके नीचे से, हम लोगों का वॉशिंग मशीन जो है वो एक्चुअली एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है एंड चूहा उसके नीचे से कैसे भी करके होल करके अंदर जाके वायर्स वगैरह कट कर लिया है। अभी वॉशिंग मशीन के अंदर हम लोगों को 10,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अभी न्यू वॉशिंग मशीन ले लेंगे 2-3 दिनों पे। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ये वॉशिंग मशीन और इसके नीचे से ऐसा टैंक है, इसके नीचे से पूरा होल करके अंदर चला गया है सारा चूहा। ये तो कुछ भी नहीं, और भी सुनो जरा। मेरा एक टी शर्ट भी इसने काट लिया है, मैं दिखाता हूँ एक बार। वो टी शर्ट मिल नहीं रहा है एक्चुअली मुझे, अभी 2-3 मिनट से मैं इसी खोज रहा था एक्चुअली। वो कपड़ा भी मेरे मम्मी ने झाड़ू पोछा लगाने के लिए रख दिया है बाहर, तो बहुत ही डर्टी हो रखा है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। एंड वो तो बहुत कम है, एक और चीज़, हमारा जो गाड़ी है गाड़ी के अंदर एक चूहा घुस के कहीं पर मर गया है और गाड़ी के अंदर इतना स्मेल आ रहा है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो लाइक कल मेरा भैया गाड़ी लेके निकले थे बाहर एंड आने के बाद मुझे बोल रहा था कि एक बार गाड़ी पे चेक करना पड़ेगा, चूहा मर गया है और बहुत ही स्मेल आ रहा था। हमारे घर पे एक दो चूहा नहीं, बहुत 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 सारा चूहा है। सारा चूहा मिलके हम लोग घर पे जो तबाही मचा रहे हैं ना, क्या बताओ। एनीवेज आज का एक बहुत बड़ा लेटेस्ट न्यूज ये है कि हमारा सिलचर से एक भैया गए है लेह लद्दाख टू गिव ट्रिब्यूट टू ऑल पुलिस ऑफिशियल्स, जो लोग आसाम मिजोरम बॉर्डर पे शहीद हुए हैं या फिर इन लोगों को कोई इंजरी आया है, तो उन सबको एक ट्रिब्यूट देने वो गए थे लेह लद्दाख। एक्चुअली एक पॉइंट पे गए थे, मतलब हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट जो होता है, तो लाइक वो आज सिलचर आ रहे हैं, अप्रोक्स 4 बजे सिलचर आके पहुंच जाएंगे। मैं और एक और भैया जो कि शुभ्रजीत भैया का छोटा भाई है, दैट इज विप्रदीप भैया, तो मैं और विप्रदीप भैया जाने वाले हैं शुभ्रजीत भैया को पिकअप करने फ्रॉम रामनगर साइड। तो हम लोग निकल जाएंगे 3 बजे को, हम लोग जाएंगे रामनगर, फिर हम लोग रामनगर से आएंगे टाउन पे। टाउन पे कुछ मीडिया ऑफिशियल्स रहेंगे उन्हें रिसीव करने के लिए, उनका कुछ इंटरव्यूज के लिए, तो लाइक हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, आगे से पिकअप करके लाएंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर हो जाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। सो गाइज आई एम रेडी टू गो एंड अभी मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार विप्रदीप भैया को, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा उन्हें पिक करूंगा। एनीवेज अभी मैं निकलता हूँ, बहुत ही जल्दबाजी में हूँ अभी। एनीवेज गाइज हम लोग आ गए हैं मारवाड़ी ढाबा के सामने, यहाँ पे मेरे साथ है रोहित, विप्रदीप भैया एंड ये कॉल कर रहे हैं शुभ्रजीत भैया को, और हमारे साथ एक और भैया है यहाँ पे विष्णु भैया एंड हम सब लोग आए हैं भैया को पिक करने यहाँ पे। एक्चुअली अभी वो भैया जो है वो कालाइन के सामने है, लगभग 45 मिनट्स लगेगा यहाँ पे आने में, तो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं उनके लिए, फिर हम लोग निकल जाएंगे टाउन के लिए। वेलकम टू सिलचर। तो भैया आ गए हैं यहाँ पे एंड इनको रिसीव करने के लिए हम कितने लोग आए हैं यहाँ पे। सो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो क्या बोलूँ, मतलब एक राइड में मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। अच्छा। सैंडस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, स्टोन फॉलिंग, अरे बाप रे, आइस फॉलिंग, सब। ओके बाप रे बाप रे बाप। फिर अच्छा रास्ता सब एक साथ हो गया। आपको देख के ना अंदर में जोश आता है कि मैं भी चला जाऊँ लद्दाख। एकदम जाना तो है, निकलो सब एक साथ। एकदम एकदम फिर से जाऊंगा। लद्दाख ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक राइड पे एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा। मैंने भी जस्ट 25% एक्सप्लोर किया है, अभी 75% बाकी है। ओहो भाई, आपका टोटल जो ट्रिप था वो कितना दिनों का था? आज मेरा 35 डेज, मतलब एक महीने के ऊपर हो गया। अरे बाप, एक महीना मेरा लगता नहीं, मेरा कुछ पर्सनल इश्यूज के वजह से मैं जगह जगह पे रुक रुक के गया। अच्छा। जाते टाइम मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो वहाँ पे मेरा 3 दिन खराब हो गया। आते टाइम मेरा थोड़ा काम था गुवाहाटी पे, तो वहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 6 दिन लग गया। ओ हाँ, आपका व्लॉग मैंने देखा, आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है? आपका व्लॉग के लिए सब लोग वेट कर रहा है। व्लॉग नहीं आ रहा है, रीजन ये है कि मेरे पास जो अभी जो लैपटॉप है वो हाई एंड नहीं है। अच्छा।
फर्स्ट रीजन ये। सेकंड रीजन ठीक है, उस लैपटॉप में किसी तरह मैं एडिट कर लेता हूँ, पूरा दिन राइट करके रात को एडिट करने का मन नहीं करता है। वो तो है, वो तो है। ठीक है, तो ये दो तीन रीजन ऐसा ही है। तो मैंने सोचा कि चलो तीन चार ब्लॉग दिया है, बाकी घर पे जाके देखूंगा। हाँ, तो आपके ब्लॉग के लिए सब लोग वेट करेगा। कल से सब ब्लॉग आने वाला है, कल से सब ब्लॉग आने वाला है। मैं अपना ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। सो गाइज, आप लोग जाके भैया का चैनल एक बार चेकआउट करना, बहुत बहुत कूल कूल ब्लॉग आने वाला है कल से। चलो, हाँ ठंडा पियो अभी। अरे भैया को तो पहले, हम लोग क्या दे रहे हो। टाउन के लिए निकलते हैं, चलो। हाँ हाँ हाँ, तो लाइक अभी हम लोग तारापुर का पेट्रोल पंप के सामने हैं। यहाँ पे जो है इनका कुछ इंटरव्यू शुरू हो गया, सीन्स आप एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अमरीका पट्टी पॉइंट, वहाँ में कुछ एक प्रोग्राम है। सो लाइक अभी हम लोग आ गए हैं टाउन पे, एंड यहाँ पे एक छोटा मोटा एक प्रिपरेशन किया गया है फ्रॉम दिस कमिटी। यहाँ पे एक रेस्पेक्ट दिया जाएगा अपना रोजित भैया को। वेरी वंडरफुल जॉब। और तार लिगे सबसे बड़ो जिनिस जेटा होच्छे जे आजके आमादेर ई अंचले যারা শহীদ হয়েছিলেন পুলিশ কর্তারা, বিভিন্ন যারা ডিপার্টমেন্টে তারা ছিলেন, এবং আমাদের এখানের মিজো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারা লড়তে গিয়ে আমাদের জন্য শহীদ হয়েছিলেন, তাদের জন্য সুব্রজিৎ তাদেরকে সেই মার্টিয়ারদেরকে ট্রিবিউট করে সে শিলচর থেকে লে একলা যায় এবং সেখান থেকে আজকে রিটার্ন আসে, এবং তাকে আমরা অসংঘ অম্বিকাপুর পূর্বপাড়া ও হাসপাতাল রোড পুজো কমিটির পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং তার সাহসিকতাকে আমরা আরও বেশি ইন্সপায়ার করি, যাতে আগামী দিনে সে আরও উজ্জ্বল হয়, আরও ভালো থাকে, তার জীবন খুব ভালো হোক, এই বলে আমরা তাকে সম্মান জানাচ্ছি আজকে। Yeah.
यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट हो गया खत्म एंड यहाँ पे इन्हीं कुछ हम लोग मार्टियर्स को ट्रिब्यूट देने गए थे भैया हार टुंगला पास पे हाईएस्ट मोटरवेल रोड पे एंड यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया है। सिलचर का नाम हर एक एक पॉइंट पे लेके गए हैं ये एंड सिलचर वासी के लिए बहुत बड़ा बात है ये। इनका ब्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला है तो लाइक मिस बिल्कुल ही मत करना। बहुत अच्छा लगा एंड आशा करते हैं हम लोग भी ऐसा बहुत बड़ा बड़ा जो एडवेंचरस टास्क है वो करेंगे एकदम। ठीक है चलो सो यहाँ का जो प्रोग्राम है ये पे एंड होता है। नाउ इट्स टाइम टू गो होम। तो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ घर एंड शुभ्रजीत भैया के साथ मिलके तो बहुत 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 ज्यादा खुश हुआ हूँ मैं। नॉट ओनली मी पूरा सिलचर का लोग जितने भी लोग आए थे रिसीव करने सब लोग इतना खुश थे तो लाइक आप समझ ही सकते हो कल परसों जब ये पूरा न्यूज जब सिलचर में फैल जाएगा तो कितना तबाही होने वाला है सिलचर पे। एंड गाइज ऐसे ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं मुझे, बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करता है ऐसा हार्ड वर्क करो। आप समझ पा रहे होंगे कि 35 डेज कंटिन्यूअस राइड इतना मेहनत लगेगा इस पे 35 डेज एक महीने से ऊपर हर दिन राइड एंड उसके साथ व्लॉगिंग भी। ओ भाई अलग लेवल। फिलहाल तो भैया ने स्टार्टिंग में कुछ व्लॉग्स को यूट्यूब में डाले थे पर बाकी का व्लॉग्स नहीं डाले, वो सब आने वाला है बहुत ही जल्द। तो लाइक आई एम रियली वेरी मच वेटिंग फॉर हिज व्लॉग्स, जब भी आएगा मैं देख लूंगा। एंड मैं बता दूं कि कल आपके लिए एक और बड़ा गुड न्यूज है, वो मैं कल ही डिस्क्लोज करता हूँ। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केवी व्लॉग। सिलचर।